नमस्कार, लोकतेज पे आप सभी का स्वागत करते हैं। भाई पिछले दिनों ज़ायरा वसीम ने यूं मानो इंटरनेट पे हल्ला बोल कर दिया। हर जगह पे ज़ायरा वसीम के जिक्र को लेकर हर बार हल्ला हो रहा था, क्योंकि ज़ायरा वसीम ने सोशल मीडिया पे एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी और अपने धर्म का उदाहरण देते हुए, या यूं कह सकते हैं कि धर्म को मान्यता देते हुए, उन्होंने अभिनय से अपने आप को रिटायरमेंट की या अभिनय छोड़ देने की बात करी, जिक्र करी, जिसकी वजह से पूरे देश में हो हा हो गई और सभी ने अपने अपने हिसाब से अपना अपना रवैया व्यक्त किया। किसी ने कहा कि ऐसा कैसे चल सकता है, किसी ने पॉलिटिकल एंगल से अपनी बात को रखा, तवज्जो दिया, तो किसी ने उदार मत से अपना रवैया पेश किया। वहीं पे ज़ायरा वसीम का अकाउंट हैक हो गया है और ये किसी और ने डाली है पोस्ट, ये कहा गया, तो ज़ायरा वसीम ने वापस सबके सामने आकर ये कहा कि नहीं, मेरा अकाउंट हैक नहीं हुआ है और ये बात मैंने ही रखी है। फिर उसके बाद ना जाने कितने किस्से सामने आए, पर इन सब के बीच में एक किस्सा आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। जी, ज़ायरा वसीम वो पहली शख्सियत नहीं है जिन्होंने अपने धर्म की बात मानते हुए बॉलीवुड को छोड़ देने की बात रखी हो। मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी एक वक्त पे अपनी गायकी को छोड़ दिया था। कुछ महीनों तक उन्होंने गायकी को अपने धर्म के मुताबिक नहीं गाना चाहिए ये मानकर गायकी को दूर कर दिया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1971 में BBC के रिपोर्ट के अनुसार जब मोहम्मद रफ़ी साहब हज पढ़ने गए थे, तो हुआ ऐसा कि वहाँ पे कुछ मौलवियों ने उन्हें समझाया कि अब तो आप हाजी हो गए हैं और अब आपको गायकी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि हमारे धर्म में इसकी जगह नहीं है। और मोहम्मद रफ़ी साहब ने उनकी बात मान ली और वो घर वापस लौट आए, तब उन्होंने गायकी छोड़ दी। बहुत सारी फिल्मों के गाने न गाने के लिए उन्होंने ना भी कर दिया, ठुकरा भी दिया। और उनके बेटे जो जिनका नाम था शाहिद रफ़ी, उनको जब BBC के पत्रकार प्रदीप सरदाना ने पूछा कि ये बात क्या हकीकत है, तो उन्होंने समर्थन देते हुए कहा कि हाँ, पिताजी ने अपने धर्म की बात मानते हुए गायकी छोड़ दी है। नौशाद साहब को जब ये बात पता चली तो नौशाद साहब ने क्या किया कि उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब को समझाया। नौशाद साहब वही हैं जो मोहम्मद रफ़ी साहब के मेंटोर थे, क्योंकि नौशाद साहब के पिता का ही खत लेकर मोहम्मद रफ़ी साहब लाहौर से मुंबई शिफ्ट हुए थे और इस खत के ज़रिए ही उनको बॉलीवुड में एंट्री मिली थी। और नौशाद साहब ने उन्हें बेहद बारीकी से समझाया कि ये भी खुदा की इबादत का एक प्रकार है, एक रीत है, और इसे आप अगर छोड़ देंगे तो आपका परिवार कैसे गुजर बसर करेगा, किस तरह से उनका परिवार जो है वो अपना घर चला पाएंगे। और मोहम्मद रफ़ी साहब ने नौशाद साहब की बात को तवज्जो दिया और उसके बाद उन्होंने फिर से कुछ महीनों के बाद गाना शुरू किया और परिणामतः उन्होंने ये पाया कि उनकी फैमिली के लिए एक जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी वो वापस आम हो गई और वो रोज़ाना जिस तरह से ज़िंदगी जीते थे वैसे ही गुजर बसर करना उन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद उनका वो गाना क्या हुआ तेरा वादा, जो जिसकी वजह से उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो भाई, ज़ायरा वसीम एकमात्र ऐसा उदाहरण नहीं है जिन्होंने धर्म को अपनाते हुए, धर्म की बात को मानते हुए बॉलीवुड को टाटा बाय बाय कह दिया, पर मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी इससे पहले ऐसा वो कर चुके हैं जिन्होंने अपने धर्म की बात को मानते हुए गायकी को, बॉलीवुड को छोड़ने का फैसला कर लिया था। ये बात अलग है कि कुछ महीनों बाद नौशाद साहब की बात मानकर वो वापस लौट आए थे। फिर से इसी तरह से लोकतेज में ऐसे ही कुछ दिलचस्प किस्से आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।